हेलो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इवनिंग का समय है, मैंने ब्लॉग जो है इवनिंग से शुरू किया है। और गर्मी देखिए, पसीना कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। तो आज हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पर, और छवि भी मेरे साथ जा रही है। और छवि देखिए, छवि भी तैयार हो गई है, और हम दोनों जा रहे हैं टहलने, क्योंकि बहुत दिन से बाहर नहीं निकले थे। अभी थोड़ा सा यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा हो गया है, तो हम मैंने सोचा कि मैं छवि के साथ और थोड़ा टहल के आ जाती हूँ। मैं हूँ, मेरे सामने वाली पड़ोसन है, तो हम दोनों लोग मिल के जा रहे हैं, थोड़ा दूर टहल के आएंगे। शाम हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी सुहाना, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमने सोचा कि हम टहल के आते हैं। और फिर आती हूँ तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी जा रही हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी। आऊँगी तो फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ टहलने। रुपेश और मेरा नाम, मैं जा रही हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, बस आसपास ही टहल लेंगे थोड़ा दूर तक। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, और आज मैं अपने एरिया की हरियाली दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग गेंदे का पेड़ लगा रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है, ये पूरा जो ज़मीन है पूरा फ्लावर से भर जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है। और ये रैंडम खंबा है, जो बिजली का खंबा होता है वो है। और ये देखिए कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। धान बोने की तैयारी चल रही हमारे यहाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये करुणा का पेड़ है, जिसका अचार बनता है, चटनी बनती है, पर कभी हम लोगों ने बनाया नहीं यहाँ से लेकर के। ये पूरा पेड़ जो है, पूरे पेड़ पे वो निकला था, पर नीचे का जितना भी करुणा था वो आसपास के लोगों ने तोड़ लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, बहुत मुश्किल से दिखा है, कैमरे में आया है, बाकी सब पीछे है, पूरा पक भी गया है। और छवि तोड़ रही थी कि मैं तोड़ लेती हूँ, मम्मी आप चटनी लगाइएगा, पर हमें उतना इसका जो अचार है अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कभी यहाँ से लेकर गए भी नहीं और अचार भी नहीं बनाए। पर बच्चे सबको देखकर वो तोड़ने लगे कि हम तोड़ेंगे, आज चटनी बनेगी। और ये पूरे पेड़ में था, पर ऊपर था वो पानी, उन्हें मतलब मिल नहीं रहा था, पर वो ज़बरदस्ती, ये देखिए फ्रेंड्स एक और करुणा दिखा, और वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे कि हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे। छवि दिखाओ, तुमने तोड़ा है, ये देखिए फ्रेंड्स, छवि ने दूर से ही दिखाओ, दिख नहीं रहा, छवि ने तोड़ा है, ज़्यादा नहीं पाई क्योंकि बहुत ऊपर था, दो ही तोड़ा है। अमरूद में, अमरूद तोड़िए प्लीज, ऊपर ये प्लीज, अभी तोड़िए, कहाँ दिख रहा है? हाँ ये रहा, सभी जम तो इसको छोटा कर दें। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं टहल के आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोग के साथ अपने स्किन की रूटीन शेयर करूँगी, कि मैं अपने स्किन का केयर कैसे करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, अभी सारे काम जो है वो करने हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कर लिया है। आज रात भी हो गया क्योंकि हम टहलने चले गए थे, बहुत दिन से कहीं नहीं आए थे, तो आज हम सोचे कि हम सब, आज कॉलोनी की औरतें भी जा रही थी, तो हम मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ, और साथ में छवि भी चली गई थी। छवि तो जैसे लग रहा है कि क्या कर रही हो, ये देखो, हाय बोलो, और देखिए रुपेश बैठा है, इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी चाय बना के देगी, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं बनाया था। आज जो भाभी आई थी वो चाय लेके चली आई थी, तो उनके साथ ही हम चाय पी लिए थे। और वो देखिए, वो बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी चाय बनाएगी तो पीएंगे। अभी चैम्परास उसने खा लिया है, और एक गिलास मैंने दूध भी दोनों बच्चों को दे दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, ये देखिए आपको, ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, 7:30 हो गए हैं, और मैंने भी कुछ बनाया नहीं, मैं आज चाय भी नहीं बनाई हूँ। मैं चलती हूँ, अभी चाय बनाती हूँ, मैं अभी आ गई हूँ किचन में। मेरे मम्मा
फ्रेंड्स छवि आपसे कुछ कहना चाह रही है। आओ छवि, देखिए क्या को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपसे बोल रही है पर ये सही से बोल नहीं पा रही है। ये आपसे बोल रही है कि मेरी मम्मी के वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। और वो फिर भाग गई है भैया के साथ। देखिए देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ बोलो? बिल्ली गई है, जाओ भगा दो बिल्ली को, जाओ। तो ये बोल रही है कि मैं बोलूँगी फ्रेंड्स लोग से। अभी देखिए सिर्फ ये मस्ती कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और गर्मी बहुत लग रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, वही डिनर जो भी मुझे बनाना है। मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या बनाऊँगी, पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पहले चाय बना के दे देती हूँ रूपेश को, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ क्या बनाना है। और आज बहुत लेट हो गया है। अब तक मैं जो भी मुझे बनाना रहता है डिनर में मैं बना लेती हूँ, सिर्फ रोटी बनानी रह जाती है लास्ट में, वो सब बच्चे जब खाते हैं तभी मैं बनाती हूँ। लेकिन आज तो मुझे पूरी तैयारी करनी है, सिर्फ टहलने गई थी इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया। और हमने सोचा है खेलने जाना है, ठीक है जाओ। और हमने सोचा था कि हम सोच रहे हैं कि हम डेली अब टहलने जाएंगे, क्योंकि वजन भी काफ़ी बढ़ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हम सब डेली टहलने जाया करें। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आगे मैं अपनी स्किन की जो केयर किस तरह से मैं केयर करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप सब आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और अब चलती हूँ चाय बनाने। और फ्रेंड्स मैं ये देखिए आलू को मैंने उबाल लिया है, मैं आज आलू का पराठा बनाऊंगी। मैंने आलू उबाल लिया है और मैंने आटा भी गूंथ लिया, ये देखिए आटा भी मैंने गूंथ लिया है। और अभी मैं इसका बैटर बनाकर आज आलू का पराठा ही बनाऊंगी, सिर्फ पराठा और चटनी बनाऊंगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। रूपेश भी बोल रहा था कि मम्मी आज आप आलू का पराठा बनाइए, तो मैंने सोचा चलो बच्चे की फरमाइश पूरी कर देती हूँ। तो मैं पहले आलू को छील लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने स्मैश कर लिया है इसे, ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से। और ये मैंने धनिया का पत्ता जो है उसे कट करके डाल दिया है। और मैंने मसाला तो पहले से, गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। और मैंने मसाला पहले से ही भुना हुआ था तो मैं मसाला इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मसालों को मैंने आलू में मिक्स कर दिया है और बैटर तैयार है आलू के पूड़ी का। पहले मैंने सोचा था कि मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी, फिर मैंने बाद में आलू की ही सब्ज़ी बना ली, आलू टमाटर की। जो मैंने आलू बॉयल किए थे उसमें से मैंने थोड़े आलू निकाल दिए सब्ज़ी के लिए, और उन्हीं आलू से मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली। तो सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज को पहले भून लिया है, और ये टमाटर है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं टमाटर के साथ ही, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी लिया है। और अब मैं ढक कर इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी कि टमाटर जो है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मैं इसे भूनूंगी। और फ्रेंड्स मैंने अपने स्किन केयर का वीडियो इसमें नहीं डाला है, क्योंकि मैं अगर उसको एक साथ लेती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं उसे दूसरी बार अपलोड करूंगी। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, एडिटिंग कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, फिर बाद में वीडियो बहुत लंबा बन रहा था इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। और मैं इसे एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, और अब मैं इसमें जो मैंने आलू को निकाला था बॉयल आलू को, मैंने इस पानी में उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, चुटकी भर हींग, सबको एक साथ मैं इस पानी में मिक्स कर ली हूँ। और अब इसी पानी को मैं मसाले में डाल दूँगी, और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनती है, बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया अभी मैं डाल दूँगी, और जितना थिक आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना थिक कर सकते हैं, पतला या गाढ़ा, जैसा भी आपको पसंद हो। और सब्ज़ी बन गई है, मैंने उसे निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और इस सब्ज़ी को आप किसी पूड़ी, रोटी या किसी दाल चावल के साथ भी, या चावल के साथ आप किसी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। और अभी मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। और मैंने कुछ इस तरह से आटे के अंदर आलू के बैटर को फील कर दिया है, और इसे मैं अब बेल लेती हूँ। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे फैला लूँगी। अब बस थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बेलन चलाऊँगी और ये जो और पराठे को बेल लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पराठे को सेक लिया है, इसी तरीके से मैं सारे पराठे को सेक लूँगी। अभी मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि ये सब भूखे मैं बाद में खाऊँगी।
तो मैं इसे निकाल के पहले दे देती हूँ। छवि, रुपेश कहाँ, यहाँ आओ, कहाँ हो, आओ। अच्छा बताओ कितनी पराठा दे छवि तुम्हें? मैं दो। रुपेश कितना पराठा दे तुमको? अच्छा तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ क्योंकि कि कितना पराठा लेंगे वो। वो अपने हिसाब से खाते हैं तो अच्छा रहता है, और अगर मैं अपने हिसाब से दूंगी तो वो नहीं खाएंगे। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं कितना दूँ तुम्हें। ठीक है रुपेश, निकल गया, तुम्हारी थाली बन गई है, ले जाओ। और फ्रेंड्स आप भी आइए खा लीजिए, मैं आपके लिए भी ये थाली लगा रही हूँ, आइए। और मैं आपको भी खाना लगा देती हूँ, आप भी खा लीजिए और बताइएगा मुझे कि कैसा बना है आलू का पराठा और सब्जी। ठीक है, तुमको सब्जी नहीं चाहिए तो तुम जाओ, नहीं लोगी? देखिए छवि बिना सब्जी लिए चली गई, और रुपेश को मैं दे देती हूँ। आइए फ्रेंड्स हमारे साथ डिनर कर लीजिए। रुपेश कह रहा है कि आइए आप और ये डिनर कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स आलू के पराठे, यम्मी यम्मी एंड रसेदार सब्जी आलू की, और ये बहुत टेस्टी लगती है। और रुपेश भी इनवाइट कर रहा है आपको कि आप आइए खा लीजिए। ठीक है जाओ तुम कर लो, और एक बार चलो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं जाओ। और अभी मैं मिलती हूँ आप सभी से। ये देखिए फ्रेंड्स सिंक पूरा भर गया है। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, और मैं अभी बर्तन को धुल लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। और गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।